हेलो दोस्तों, कुक विद शिवाय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और सेम की बहुत ही चटपटी सूखी सब्जी, जिसे हम बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे, जो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। काफ़ी कम सामान लगते हैं, किचन के बेसिक से सामान में बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है, तो हम आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे, आधा चम्मच हम राई भी ऐड कर देंगे और हमने अदरक को किस लिया है इसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अदरक काट के भी ले सकते हैं। और दो तीन हरी मिर्च हमने काट के ले ली है, एक छोटे साइज़ का प्याज हमने काट के लिया है, इसे भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छे से। सब्ज़ी जो है सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप भी सरसों का ही तेल इस्तेमाल करें। हमने दो सूखी लाल मिर्च ली है तोड़ के, इसे भी ऐड कर देंगे। लाल मिर्च से स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी और लाल मिर्च में से कोई एक मिर्च ऐड करें। प्याज वगैरह बहुत अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम इसमें एक टमाटर ऐड कर देंगे काट के, और इसके साथ ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। और हमें सब्ज़ी में जितना नमक इस्तेमाल करना है सारा नमक हम यहीं पर डाल देंगे, आधे चम्मच के करीब। और नमक से जो है टमाटर वगैरह हमारे जल्दी पक के तैयार होंगे, तो टमाटर के गलने तक हम इन्हें पका लेंगे अच्छे से मिलाते हुए। तो सारे मसाले हमारे भून गए हैं, टमाटर भी पक गया है, तो अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। तो दो मीडियम साइज़ के आलू हमने काट के लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। और हमने सेम की फली काट के ले ली है, 250 ग्राम के करीब सेम है हमारी, बड़े टुकड़ों में हमने काटा है, आप चाहे तो इसे और भी छोटा काट सकते हैं। इसे भी डाल देंगे मसालों के साथ और आलू के साथ, मिला देंगे सारी सब्जियों को अच्छे से आपस में। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल लाल, हरा और पीला दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है अभी तो। तो सारी सब्जी हमने बहुत ही अच्छे से मिला ली है आपस में। अब हम इसे ढक करके दो तीन मिनट के लिए पका लेंगे, बढ़िया से ढक देंगे सब्जियों को। तो चेक कर लेते हैं सब्जी, मिला देंगे इसे एक बार और अच्छे से। तो सब्ज़ी हमारी जो है पकनी शुरू हो गई है, नीचे से इसका कलर जो है चेंज होने लगा है धीरे धीरे, और सब्ज़ी हमारी जैसे जैसे पकेगी बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी। तो फिर से इसे ढक देंगे दो मिनट के लिए। तो सब्ज़ी हम एक बार चेक कर लेते हैं और एक बार अच्छे से मिला के चला देते हैं। तो सब्ज़ी का कलर हमारे बिल्कुल चेंज हो चुका है, जो इसका हरा कलर था बिल्कुल जा गया है, ब्राउन कलर की सब्ज़ी हो गई है, मतलब ये बिल्कुल पक रही है अच्छे से। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आधे कप के करीब। इससे क्या होगा, जो हमारी सेम और आलू है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल कोई इसमें चांस नहीं रहेगा कच्चेपन का, बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो मिला देंगे सारी सब्जियों को अच्छे से, और सब्ज़ी हमारी वैसे बन गई है, लेकिन दो तीन मिनट इसे हम और पका लेंगे ढक के अच्छे से सॉफ्ट होने तक। तो दो तीन मिनट हो गए हैं, तो देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे खुशबू और स्वाद के लिए, और मिला देंगे आपस में अच्छे से। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, जो हमने आधा कप पानी इस्तेमाल किया था वो भी सूख गया है, और क्वांटिटी भी सब्ज़ी की कम हो गई है, देखने में ही पता चल रहा है। तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही चटपटी मज़ेदार लगती है, दाल चावल में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आप सिंपल रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, तो प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो हमारी मज़ेदार आलू सेम की सिंपल सी सब्ज़ी बनके तैयार है, बिना किसी तामझाम के, किचन के सिंपल से सामान में हमने इसे बनाया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू।